गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? आप करते हो आप अपने घर में बहुत अच्छे हो। वेलकम है आपका आज के न्यू ब्लॉग में। आज मैं हो चुकी हूँ रेडी। आज जैसे कि आप जानते हो कि आज है संडे, हम लोग जा रहे हैं मीटिंग पे। अभी मैं पूरी रेडी नहीं हुई हूँ। अभी मैंने मतलब हेयर अपने करने हैं और थोड़ा सा रेडी होना है, तो रेडी होके जाएंगे हम लोग मीटिंग पे। और आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हो आज? आज का मतलब ये भी नया दिन, नई शुरुआत और नया सब कुछ होता है, तो आज आप लोग कैसे हो? तो मैंने आज ये वाला गाउन डाल लिया है, और ये गाउन जो है ना वो मतलब एक 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 ऐसे ही कलर के मेरे पास तीन चार गाउन है, ऐसे ही कलर के, एक ही कलर का। ऐसे लगता है जैसे वही रिपीट किया, पर रिपीट नहीं किया, मैंने आज और गाउन डाला है। तो चलिए मैं हो जाती हूँ रेडी। अभी मैंने खा लिया है खाना, तो खाना वाना खाते समय मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि उस समय मतलब मैं रेडी नहीं थी। तो अभी मैंने सोचा कि मैं रेडी होके ही करूँगी अपने सबसे बात। तो यहाँ पे ब्रुनो ने भी खा लिया खाना। ब्रुनो आपने खा लिया खाना? आपने खा लिया खाना? तो यहाँ पे देखिए ब्रुनो बैठा हुआ है, इसने भी खाया है अभी खाना। ब्रुनो हेलो, ब्रुनो ये नाराज़ है क्योंकि आज इसको ना इधर इधर वाले रूम में बांध दिया, क्योंकि ये वाला रूम ठंडा है और इसमें फ़ैन भी, जो नया फ़ैन लगा हुआ है ना वो लगाया हुआ है, तो फ़ैन अच्छा चलता है, मतलब बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो इसलिए इधर वाला फ़ैन जो है ये देखिए ये बहुत ही स्लो चलता है और इसमें हवा भी इतनी ज़्यादा नहीं आती और ये रूम गर्म भी है। ये वाली जो नेट है ना, ये वाली नेट से धुआं आता है, साथ वाली किचन है, किचन से धुआं सारा आता है, चाहे ये वाला दरवाज़ा बंद कर दो फिर भी धुआं आता है, तो ये गर्म हो जाता है रूम, इसलिए उसे उधर बांध दिया। तो वो हो गया है नाराज़, तो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, होने दीजिए नाराज़। तो चलिए मैं रेडी होके जब बाहर निकलती हूँ आप लोगों से करती हूँ बात, फिर आके करूँगी आप लोगों से बात, मेरे साथ बने रहिएगा। हो चुकी हूँ मैं पूरी तरह से रेडी और मैं निकलने वाली हूँ अभी घर से। तो मैं अभी जाने वाली हूँ मीटिंग पे, क्योंकि मेरा टाइम है मीटिंग पे जाने का 12 बजे, और यहाँ पे 12 बजने में 10-15 मिनट पड़े हैं अभी, तो मैं 10 मिनट में निकल जाऊँगी और 5 मिनट में पहुँच जाऊँगी। मैं पास में ही जाना होता है, इतनी दूर नहीं जाना होता है, तो वेट करिएगा, मैं आऊँगी और फिर आपसे करूँगी बातचीत। वैसे ना आजकल सच्ची बताऊं, मैं कोई ऐसे ब्लॉग में बताता नहीं होगा, पर मैं आपको बता रही इस बात को, क्योंकि जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। गर्मी इतनी बढ़ी है, गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि मतलब बाहर नहीं जाया जा रहा है, और ब्लॉगिंग भी ना थोड़ी ऐसे हो रही है, मतलब बोरिंग टाइप से हो रही है, मतलब कुछ नहीं है ऐसा करने को, बताने को। तो फिर भी मैं हैरान हूँ कि मेरे जो साथ मतलब आप लोग हो, तो आप लोग जो हो ना वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग फिर भी मेरा साथ दे रहे हो, आप लोग फिर भी मेरे साथ बने हुए हो, चैनल के साथ बने हुए, फिर भी मैं इस बात के लिए बहुत थैंक्स हूँ। और हाँ, एक बात है जो आज मैंने मतलब नई की है, एक बात है ऐसी जो मैंने नई शुरू की है, और आप बताइए, आप गेस करिए कि वो क्या बात होगी, आप गेस कीजिए कि वो क्या बात हो सकती है जो आज ही मैंने शुरू की है। हाँ, आप लोगों को नहीं पता है, चलिए मैं बता देती हूँ, मैं आपकी एक्साइटमेंट जो है दूर कर देती हूँ, वो ये है कि आज से मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया है। आज से मैंने वर्कआउट करी, आज मैं सुबह मैंने आधा पौना घंटा बाहर हॉल में वर्कआउट किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा वेट थोड़ा सा गेन हो रहा है, और मैं इसी वजह से ना वर्कआउट कर रही हूँ। और मैं 1 मंथ में देखना चाहती हूँ कि क्या इसका रिजल्ट आता है, क्या नहीं आता है। तो जिम ज्वाइन करने को तो कर सकते हैं, हमारे घर के पास ही जिम है, पर मैं नहीं करना चाहती, मैं बाहर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं केवल घर पे रह के ही करना चाहती हूँ। तो मैंने आज सबसे पहले उठ के ना मैंने किया था आज वर्कआउट, और उसके बाद मैंने ये सारे काम किए, उसके बाद मैंने खाना वाना खाया, सब कुछ बाद में किया, पर पहले मैंने किया वर्कआउट। तो आज से हर रोज़ मेरी रूटीन होगी उठ के वर्कआउट करने की। तो कभी बताऊँगी मैं आपको, क्योंकि बहुत सारी जो होती है ना, गर्ल्स होती है, लेडीज़ होती है, उनका ये होता है कि हम डेली रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसा वर्कआउट करें कि जो हमारे मतलब हेल्थ में काम आए। और आपको पता है वर्कआउट करने में बहुत सारे जो है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे शरीर को कभी बीमारी नहीं लगती है, और हमारे शरीर में कभी मोटापा नहीं आता है, हम फिट एंड फाइन रहते हैं। तो कुछ ऐसी जो एक्सरसाइज है जो मैं करती हूँ पर्सनली, वो मैं आपको किसी दिन बताऊँगी, और किसी दिन करके दिखाऊँगी, फिर बताऊँगी मैं आप लोगों को। तो
ये मैंने आज से एक नया चीज़ की शुरुआत की है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बनी रहूँ इसके साथ, मैं करती रहूँ। मतलब एक मंथ में देखूँगी, एक वन मंथ और वन एंड हाफ देखूँगी, क्योंकि इतने में रिज़ल्ट मिल ही जाता है, तो रिज़ल्ट देखेंगे। अभी मैंने आज वेट चेक करना है, अभी वेट आकर चेक करूँगी मैं कितना है, और उसी वेट के अनुसार मैं वन मंथ के बाद अपना वेट चेक करूँगी, फिर बतावे देखेंगे कि कितना हुआ है, वेट कम हुआ है या बढ़ा है या क्या है। अगर मुझे रिज़ल्ट अच्छे मिल गए इस एक्सरसाइज से, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस एक्सरसाइज को। तो चलिए अभी मैं निकलती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है मेरा, 5 मिनट रह गए, 5 मिनट पहले मुझे निकलना है, तो आके आप लोगों से करती हूँ बात, खुश रहिएगा। और तो आ चुके हैं हम घर पे, और घर पे आके दीपिका बना रही है खाना, तो हम खाने लगे हैं। अभी खाना बन रहा है, अभी चपाती बन रही है, राजमा पड़े हैं, उसी के साथ खाएंगे हम लोग। धूप तो देख लीजिए, चमक रही है धूप पूरी की पूरी। पर आज का दिन बहुत अच्छा रहा हमारा, मतलब दोपहर तक का जो समय बीता है बहुत ही अच्छा रहा। तो चपाती बनने वाली है, तो मैं सोच रही इकट्ठे बैठ के खा लें। ये बोल रही थी गरम गरम खा लो, पर अकेले बैठ के खाने का वो नहीं होता, मज़ा नहीं आता, तो इकट्ठे बैठ के खाएंगे, बना लें, 3 दही बस। और ये देखिए क्या गर्मी इसे लग रही है, गर्मी, तो गर्मी में खाना तो बनाना पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा, फिर खाना भी पड़ेगा, फिर दोपहर का, रात का, सुबह का, बस यही चलता रहता है, पूरा दिन तो ये चलता रहता है बस। तो ये आते ही इसने रेस्ट भी नहीं की, तो इसने जल्दी से काम शुरू कर दिया। हाँ, जो मुझे कमेंट करते हैं ना, वो बोले खुद भी कर लिया करो, तो हाँ मैं कर लूंगी जी, मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ, गुस्सा मत मानिएगा। और आपको तो दोस्तों ये मैंने रखी है वेटिंग मशीन, मैं वेट करने लगी अपना, और मैं इसे पहले करती हूँ ऑन। किधर गया इसको स्विच, ये देखिए जो जीरो शो कर रही है ना, ये मेरा हाथ आ गया ऊपर, और अभी ये जीरो शो करी, 0:45 ना, तो मैं आपको ये अभी जीरो हो गई, तो मैं अभी दिखाती हूँ कि वेट कितना हुआ है मेरा। देखिए वेट 57, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता, ये देखिए 57, मैं सीधा नहीं खड़ी हो पा रही, यहाँ पे मेरा वेट हो गया 57 kg। आप बिलीव करोगे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इसलिए आज मैंने वर्कआउट किया है शुरू, और मैं 2 टाइम कर लिया है, मैंने सुबह भी किया है और इस टाइम भी करके आई हूँ, इसलिए सांस फूल रही है मेरी, तो 2 टाइम का हो गया है। आज के पूरे 15 डेज के बाद मैं फिर से करूँगी अपना वेट चेक, और फिर देखते हैं कितना है। 57 है अभी, तो आप लोग भी याद रखिए, 57 में भूलना जाओ, तो 57 kg है, तो 15 दिन के बाद देखते कितना होता है। तो वेट तो थोड़ा सा, मतलब जो आम वेट होता है ना लेडी का, वो कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए, 54-55 होना चाहिए, तो मेरा उससे ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे कम करना है अभी, इसलिए करनी पड़ेगी कड़ी मेहनत। तो अभी मैं कर रही हूँ कड़ी मेहनत, शुरुआत कर दी है मेरे आज से। तो ये रहा ब्रूनो, ब्रूनो ब्रूनो ब्रूनो, क्या हुआ नहीं आई है, मीनो मीनो बुलाया छे, ये देखिए सोने लगा, ये इसे गर्मी लग रही, गर्मी लग रही, नींद आ रही, नींद आ रही, सो जा फिर, इन टंकी कर रही है, देखिए इन्हों टंकी कर रही, नींद आ रही, नींद आ रही है, ये देखिए, तो ये अभी सोएगा, कोई बात नहीं, सोने देते। चलिए मैं वेटिंग मशीन जो है वो रख लेती हूँ, और फिर देखते हैं खाने वाने की करते हैं तैयारी, क्योंकि वर्कआउट आज का हो गया है पूरा 2 टाइम का, अभी देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं खाना, ये देखिए इधर बन रही है चपाती, तो आप देख रहे हो मेरे फेस पे, ये मुझे ना कभी पसीना नहीं आया, कभी नहीं आता है, मुझे बहुत कम आता है, और देखिए मेरे पूरे फेस पे जैसे ग्लो आया है ना, वैसे पसीना आया, पहली बार इतना पसीना। ये झूम करके दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे देखिए,
इतना पसीना आया है मुझे पहली बार, मतलब आप इसका मतलब समझ रहे हो, इतनी ज्यादा गर्मी है भाई, इतनी ज्यादा इस समय गर्मी पड़ रही है। मैं इसके पास खड़ी हूँ, इसकी मदद कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ घी वगैरह लगाने की चपाती को, और इसी इतने में इसने मुझे बताया कि आप मेरे साथ क्यों गर्मी में ऐसे खड़े, आप चले जाओ। जब मैंने अंदर जाके मिरर देखा तो मेरा ये हाल है, ये देखिए आईब्रो के अंदर भी, तो बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है। प्लीज टेक केयर, अपनी केयर कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो चलिए करती हूँ थोड़े टाइम बाद खाना वाना बना लें अभी, तो फिर करती हूँ। अभी इसने पहली बार मुझसे खाना बनाते बनाते पानी मांगा है, क्योंकि इतना बुरा हाल है, तो मैं फटाक से दे दिया, गिर भी ना जाए कहीं, कैसे कहाँ से भरूंगी मैं इतनी बड़ी लड़की, हाँ अगर गिर गई ये तो है। मजाक कर रही हूँ दोस्तों, फिर भी मैं आपको ये बता दूँ कि अपना ध्यान रखिएगा, बहुत ही केयरफुल रहिएगा, खासकर जो बाहर अब मेरी बहनें या मेरे भाई जॉब करते हैं ना बाहर, जो लोग वो अपना टेक केयर। तो यहाँ पे लगे हम खाना खाने, और रात के बज चुके हैं 10 और आ गया है खाना, तो खाने लगे खाना। आज बनाई आलू चिप्स की सब्जी, और देखने में अच्छी लग रही है, खाकर बताऊंगी। और तो और क्या, और कुछ नहीं दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज के व्लॉग में मैंने स्पेशल बार बार इस बात को बोला है, क्योंकि सच में भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और हाँ 45 डिग्री टेम्परेचर आज चला गया है। दुबई जितनी गर्मी हो रही है इस मौसम में ना, इस बार दुबई जितनी गर्मी ही हो रही है। और तो जाइए शिमला मनाली घूमने के लिए इन दिनों। अब छुट्टियां पड़ने वाली हैं बच्चों को, 24 को पड़ जाएंगी छुट्टियां, तो उसके बाद बच्चे हो जाएंगे फ्री। मेरे को 1 को पड़ेंगी, क्योंकि मेरे पेपर जुलाई में हो रहे हैं और टेस्ट भी नहीं हो रहे हमारे। अच्छा क्या हो रहा है, पेपर जुलाई में हो रहे हैं, टेस्ट नहीं हो रहे? तो बच्चों के ऊपर बोझ तो डलेगा ही डलेगा, क्योंकि छुट्टियां पड़ेंगी, ये तो ठीक है, रिलीफ मिलेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा धूप में। पर ये बात भी है दोस्तों कि काम जो होमवर्क है जो बहुत सारा दे देते हैं टीचर्स, तो उसे भी फुल करना होता है, फिल करना होता है, तो इसलिए बच्चों को टेंशन तो छुट्टियों में भी रहती है। तो मैं तो उम्मीद करती हूँ इस जो सीज़न में ना, जो गर्मी जैसे पड़ रही है इस सीज़न में, मैडम जो है वो कम होमवर्क दें बच्चों को, ताकि बच्चे रिलैक्स कर पाएँ, नहीं तो हर ऐसे छुट्टियों में ऐसा ही होता है। हाँ मैं कहता हूँ कि जून जुलाई अगस्त में ये तीन इसे बस छुट्टियां चाहिए, जून जुलाई अगस्त 3 महीने छुट्टियां चाहिए इसे बस, और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ना है इसे, इसे पूछ लो कब पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये इसे कुछ नहीं पता है, पर इसे छुट्टियां चाहिए। हाँ I like holidays. तो और अब कल स्कूल जाना है ना पक्का? नहीं जाना, थप्पड़ खाने हैं, खाना खा लिया? जाना, हाँ खाना खा लिया। ओके तो और कुछ कहना है दोस्तों को? चल बाय बाय करते, फिर मैं भी बाय बाय कर लूँ। ये ना इसका एटीट्यूड ऐसा ही अलग सा है, इसका एटीट्यूड बस कर बस कर, ये जो स्टैचू नहीं हिलता रहता वो रेस्टोरेंट के बाहर ऐसे 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 करता रहता है, ये वो लग रहा था अभी। तो चलिए दोस्तों अभी खाना आ गया है, तो खा लेते हैं खाना, इस ब्लॉग को करते हैं आज हम यहीं पे खत्म, मिलते हैं कल नए दिन में, नए ब्लॉग में, और नए चैनल और नए सोच के साथ, ठीक है? ये बढ़िया है, तो खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, साथ रहिएगा, दुखी मत होइएगा, कोई भी बात तो इग्नोर कीजिएगा, अगर कोई ऐसी बात है अभी लेने वाली है तो भी थोड़ा सा स्ट्रेस लीजिएगा, ज्यादा मत लीजिएगा। तो चलिए बाय बाय करते हैं, ऐसे कौन करता है, वही वही रहे होटल के बाहर जो लगे होते हैं, ये जादू सबको पता होगा, मम्मी को नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं जादू वादू भी जानती हूँ, जादू मूवी में आया नहीं था। ओके ओके ठीक है।
तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, आप भी ऐसे बाय बाय, मुझे बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय। खा लेते हैं खाना, मिलते हैं कल सुबह। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा मुझे। तो चलिए फाइनली बाय।